वाईफाई कनेक्ट होने पर उस वाईफाई का पासवर्ड हम अपने मोबाइल में कैसे पता करते हैं कि इस वाईफाई का पासवर्ड क्या है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई बहुत छोटी सी वीडियो है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में एक वाईफाई कनेक्ट है, ठीक है। इस पे आपको लॉन्ग आपको इसी तरीके से अपनी वाईफाई जहाँ पे कनेक्ट होती है स्टेटस बार खोलना है और उस पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे इस वाले पेज पे, ठीक है। अब आपको जो वाईफाई कनेक्ट है उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको स्कैन बार कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वाईफाई के आसपास, या फिर आप इस पे क्लिक कर सकते हैं क्योंकि सभी फ़ोन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई क्यूआर कोड, ठीक है। तो दूसरे में आपको डायरेक्ट क्यूआर कोड भी दिखाई दे सकता है, तो आपको उसी क्यूआर कोड पे क्लिक कर लेना है। अगर जिस पे नहीं आता तो उस पे आपको वाईफाई के नेटवर्क जो नेम है उस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई क्यूआर कोड लिखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मोबाइल है वो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है अपने मोबाइल का, और यहाँ पे जो वाईफाई का क्यूआर कोड है यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, और क्यूआर कोड के ऊपर वाईफाई का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे पासवर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पासवर्ड है। इस तरीके से आप कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं।